नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नर्मदा सोन घाटी के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक बंटवारा पढ़ रहे हैं। उसमें से अगला सेक्शन है नर्मदा सोन घाटी छठ माह। अब तक हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, इस छठ माह के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। नर्मदा सोन घाटी, जैसा कि इसका नाम दो नदियों पर रखा गया है, नर्मदा और सोन नदियों पर, और तीसरा इसमें शब्द लिखा है घाटी। घाटी का मतलब है कि ये दबा हुआ क्षेत्र है। और कैसी घाटी है तो बात की जाती है, भ्रंश घाटी है। तो निस्संदेह इसका निर्माण जो है वो भ्रंशन की प्रक्रिया से हुआ है, और भ्रंशन की प्रक्रिया से जो घाटी बनती है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में दो रिफ्ट वैली हैं, एक नर्मदा सोन रिफ्ट वैली है और एक आपका तापी भ्रंश घाटी है। ठीक है, तो एक आपका नर्मदा सोन भ्रंश घाटी और दूसरा तापी है। दोनों जो है तो ऐश्वरी बनाती हैं, दोनों में बहने वाली दोनों नदियां जो है ऐश्वरी बनाती हैं। इसमें से सोन जो है, सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल एक ही जगह पर है। सोन दरअसल यहां पे घाटी न होकर सोन इधर की ओर प्रवाहित होने वाली, अर्थात पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, लेकिन इसको एक साथ नर्मदा सोन घाटी के नाम से जाना जाता है, जो किस प्रकार की घाटी है, भ्रंश घाटी है। ठीक है, बनावट की बात की जाए, इसके निर्माण की बात की जाए या इसके चट्टानों की बात की जाए, तो यह जो है तो दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों से निर्मित हुआ है। दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों से निर्मित हुआ है। ठीक है, अगली बात है इसके यदि कुल क्षेत्रफल के पहले इसके विस्तार की यदि हम लोग बात करें, तो इसका जो विस्तार है अर्थात इसका जो अक्षांशी स्थिति है या मानचित्री स्थिति है उसकी यदि हम लोग बात करें, तो सबसे पहले इसका अक्षांशी विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशी विस्तार यहाँ से शुरू करते हैं, ये पूरा जो चित्र बना हुआ है नर्मदा सोन घाटी का चित्र बना हुआ है। अक्षांश में सबसे नीचे यहीं पर हमने इसलिए लिखा कि सबसे निचला बिंदु जो है वो यहीं पर है। ठीक है, कितना 22:30 नॉर्थ से शुरू होता है और ये आपका बुरहानपुर के ठीक ऊपर खंडवा में आता है। ठीक है, 22:30 नॉर्थ से शुरू होता है और इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो होता है 23:45 नॉर्थ। ठीक है, 23:45 नॉर्थ, इसका मतलब लगभग 1 डिग्री तक ये फैला हुआ है, 1 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा, 1:15 तक। ठीक है, इसके यदि देशांतरी विस्तार की बात करें, तो देशांतर रेखा ये खींची हुई है सबसे पश्चिम में, ये 74 डिग्री ईस्ट है, 74 डिग्री ईस्ट, जो कि आपका अलीराजपुर में है से ले करके इसका जो पूर्वी विस्तार है वो है आपका कहाँ तक, 81 डिग्री 30 ईस्ट तक, अनूपपुर डिंडोरी ज़िले आएंगे यहाँ पे, मतलब सबसे लास्ट में जो आएगा वो अनूपपुर ज़िला आएगा। तो अनूपपुर ज़िले में ये 81-30 डिग्री तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया। अब यदि आपसे एक प्रश्न कहा जाए कि नर्मदा का विस्तार उत्तर पूर्व ज़्यादा है कि उत्तर दक्षिण ज़्यादा है कि पूर्व पश्चिम ज़्यादा है, तो नर्मदा का निसंदेह नर्मदा सोन घाटी का विस्तार पूर्व पश्चिम ज़्यादा है। 74 से 81 लगभग 6-7 डिग्री 30 मिनट विस्तार है और उधर लगभग 1 डिग्री 15 मिनट का विस्तार है। इस प्रकार इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाता है, 86,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26% भाग बनाता है। ठीक है, तो ये 26% भाग के साथ मध्य प्रदेश का ये एक बड़ा हिस्सा बनाने वाला क्षेत्र है। इनफैक्ट यदि बात की जाए तो कुल भौगोलिक प्रदेशों में ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, मालवा के पठार के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके विस्तार जिलों की बात कर लें, तो इसमें कुल 16 ज़िले आते हैं, वो यहाँ पे 16 ज़िले हमने लिखा है। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सभी 16 ज़िले इस प्रकार हैं, सबसे पहले अनूपपुर, फिर डिंडोरी, मंडला, उमरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, इसके बाद आपका होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर का सिर्फ बुधनी तहसील, ठीक है, देवास, खंडवा, खारगोन, हरदा, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, ये 16 ज़िले इस नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगली बात है इसकी मृदा की बात कर लें, यदि मृदा की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो गहरी काली और काली है, और नर्मदा सोन के कारण थोड़ा ककरीली रेतीली है, और इसी नर्मदा सोन के कारण इसका जो तटीय क्षेत्र है वो जलोढ़ मैदान भी मिलते हैं, मतलब जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है। ठीक है, मैदानों के बाद यहाँ की बात की जाए, मृदा की बात यहाँ की बात की जाए जलवायु की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है, लेकिन विषम मानसूनी है, मतलब पूरे नर्मदा सोन घाटी में एक ही प्रकार की मानसूनी नहीं है। पूरब का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब कम गर्म होता है, और पश्चिम का क्षेत्र जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। इसका मतलब पूरब से पश्चिम बढ़ने पर
एक ही सीजन में गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक है। वैसे भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पचमढ़ी जो है ये ठंडे स्थान है, अपेक्षाकृत ठंडे स्थान है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ के ताप की बात करें तो गर्मियों का अधिकतम तापमान औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और ठंडी का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा भी एक जैसी नहीं है, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है, पूरब में ज़्यादा वर्षा है, पश्चिम में जो है वो कम वर्षा है, लेकिन यहाँ की जो वर्षा है उसको 57 से 142 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले वनों की, तो कुल वनों का मानक से थोड़ा कम है, 25% वन यहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में, 25% वन पाए जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 25% हिस्सा नर्मदा सोन घाटी में पाया जाता है। वन जो होते हैं तो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, और यहाँ साल, सागौन, सेमल, बीजा और तेंदूपत्ता के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ के खनिजों की बात की जाए तो खनिजों की बात करें तो यहाँ संगमरमर, चूना पत्था, मैग्नीज, कोयला और फेल्सपार जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाए जाते हैं। एक सेक्शन यहाँ पे हम लोग थोड़ा नदी देख लेते हैं। यदि नर्मदा सोन घाटी में मुख्य नदियों की चर्चा की जाए तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा। इसके साथ नर्मदा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, सोन, जोहिला, ये तीनों अलग अलग नदी। इसके बाद नर्मदा की सहायक नदियों में कुंदी, दूधी, तवा, बरनी, हथनी जो है तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। खनिज की बात कर लिए, नदियों की बात कर लिए, खनिजों के बाद उद्योग का सेक्शन आता है। तो यहां जो है तो मुख्य रूप से जबलपुर जो है तो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जहां संगमरमर की मूर्तियां, खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सीमेंट, कांच, चीनी, मिट्टी के उद्योग इस क्षेत्र में विकसित हुए हैं। इनका डिटेल सेक्शन हम लोग मध्य प्रदेश के उद्योगों में देखेंगे, ठीक है। अगली चीज है यहाँ के यदि कृषि की बात की जाए, कृषि की बात की जाए तो यहाँ मानसूनी जीवन निर्वाहक प्लस औद्योगिक कृषि होती है, जीवन निर्वाहक प्लस व्यापारिक कृषि होती है, मतलब अनाज बस नहीं उगाते हैं, खाद्यान्न के अलावा यहाँ खाद्यान्न में मुख्य रूप से गेहूँ, चावल तो उगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कपास, सोयाबीन, आलू, गन्ना, मूंगफली और अलसी का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे हो गया कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना, मूंगफली, ये सब व्यापारिक फसलें हैं, तो यहाँ व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो सांस्कृतिक स्थिति में यहाँ जो जनजाति है तो मुख्य रूप से यहाँ बैगा, बंजारा, गोंड, कुरकू और मुख्य रूप से यहाँ गोंड और कुरकू जनजाति पाई जाती हैं। सबसे प्रमुख जो है वे किसका क्षेत्र है, गोंड और कुरकू जनजातियों का क्षेत्र है, ठीक है। अगली बात हम लोग यहाँ की बोली की करें तो नर्मदा सोन घाटी में चूँकि ये बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है तो बुंदेलखंड रीवा पन्ना पठार से जुड़ा होने के कारण यहाँ कुछ बुंदेली का प्रभाव, मालवा से जुड़ा होने के कारण मालवी का प्रभाव, गोंड जनजातियों के कारण यहाँ गोंडी और निमाड़ क्षेत्र में होने के कारण यहाँ निमाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। यदि यहाँ के पर्यटन की बात कही जाए तो पर्यटन में यहाँ मुख्य रूप से जबलपुर सबसे प्रमुख पर्यटन है, जबलपुर में धुआंधार प्रपात जो है, इसी प्रकार खरगोन जो है तो नवदा टोली यहाँ, ठीक है। धार में, धार की बात करें तो धार में बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। तिगवा मंदिर जबलपुर में कुछ ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। ये थी आपकी, ये क्षेत्र था नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी के संदर्भ में बात की जाए तो जैसे ये क्षेत्र है इसको प्राचीन काल में ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा को नमोदास शब्द से उल्लेखित किया था। इसके साथ साथ नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो है वो पूरे का पूरा ये नर्मदा का ये क्षेत्र मध्य प्रदेश की आर्थिक इकाई की रीढ़ है, मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, पूरा नर्मदा नदी है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे अन्य नाम हैं, जैसे इसको मैकलसुता भी कहा जाता है। मैकलसुता इसलिए कहते हैं कि ये मैकल पर्वत से निकलती है, मैकल से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार इसके कई नाम हैं, उसका एक अलग सेक्शन है, नदियों में हम लोग देखेंगे। तो ये आज का आपका सेक्शन था नर्मदा सोन घाटी, अगला सेक्शन मालवा का पठार अगले वीडियो में। धन्यवाद।